हमारे राजकोंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी ने एलपी नगर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक लेपर्ड या पैंथर के स्किन को बेचने वालों गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 4 सदस्य हमें मिले हैं। ये इंटरस्टेट गैंग है, उड़ीसा स्टेट में कोरापत जिला, वहां पे चंदुआ नाम का गांव है, वहां से 2 लोग रहने वाले। एक आदमी सिलपाड़ा विलेज बोल के मचकुन तालुका वहां का रहने वाला है कोरापत का, और एक आदमी नागोती भानु बोल के ये विशाखापट्टनम। 4 लोग जो है वासुदेव मस्ती, जगन्नाथ सीसा, बाली पंगी और नागोज खान, ये 4 लोग अभी हमारी हिरासत में। इनके खिलाफ हमने क्राइम नंबर 410/2019 का सेक्शन 429 आईपीसी, सेक्शन 9(2)(16), 39, 49B, 52, 56, 57 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस कानून में कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की कड़ी सजा और ₹10,000 फाइन है। हमें मालूम हो रहा है कि ये जो गैंग है वो पोचर का गैंग है, और इन्होंने उड़ीसा स्टेट में जो कोरापत जिला है वहां पे मुचकुन फॉरेस्ट में ये लाइव वायर लगा के पैंथर की हत्या की और बाद में डिस्किन कर लिए। काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कटिंग किया है, और यहाँ पे हैदराबाद मार्केट में ये स्किन बेचने लाया था, उसी समय हमारे SOT को इन्फॉर्मेशन मिल गई और उन्होंने प्रोस्पेक्टिव बायर्स के तौर पे ऑपरेशन करके इन्हें हिरासत में लिया। इनके पास से ये स्कीम मिली है, 4 नाखून मिले हैं और एक एक्सेंट कार मिली है, ये सब हमने अभी सीज किया है। इंटरनेशनल मार्केट में 5 से 10 लाख से कम इसकी कीमत नहीं होगी। 3 से 4 साल का उम्र का ये पैंथर हमें लग रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे जो FDO है शिवैया, FRO रविंदर रेड्डी, FRO रमेश कुमार, इन लोगों ने ये ओरिजिनल स्कीमें करके इसके बारे में उन्होंने पुष्टि दी है। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे SOT के इंस्पेक्टर नवीन कुमार, हमारे SOT के सब इंस्पेक्टर अविनाश, एडिशनल DGP हमारे सुरेंद्र रेड्डी, SOT के सब इंस्पेक्टर रत्नम श्रीशैलम, SOT का स्टाफ अशोक कुमार, इंस्पेक्टर LB नगर, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ हमें जो हमारे साथ अभी जुड़ा हुआ है, इन सबको मैं अभिनंदन इन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, और हमारे टीम को मैं कैश रिवार्ड से नवाजा हूँ। थैंक यू।